कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अपने इस्तीफे पर अड़े हुए हैं और उन्हें मनाने के लिए मंगलवार को कांग्रेस मुख्यालय पर देशभर से आए कांग्रेस के कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इस मौके पर दिल्ली कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश लिलोठिया और वरिष्ठ नेता जगदीश टाइटलर समेत कई नेता भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इनसे हमारे सहयोगी अजय झा ने बातचीत की। आप लोग लगातार मनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि वो नहीं रहना चाहते। देखिए, जो कार्यकर्ता है उसके मन की भावनाएं, ये इमोशंस का मामला है राहुल गांधी जी के साथ में, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व के अंदर हम लोग काम करना चाहते हैं। और जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने पिछले कई साल मेहनत करके सड़क से संसद तक जो आवाज़ उठाई गरीब लोगों की, हर वर्ग के लोगों की, नौजवानों की, महिलाओं की, किसानों की, दलितों की, तो हम जो एक नौजवान पीढ़ी को राहुल गांधी जी ने एक मुख्य धारा के साथ में जोड़ा, पूरे देश में हज़ारों की तादाद में इस तरीके से लोग हैं, लाखों की तादाद में इस तरीके के लोग हैं जिनको पहचान दी राहुल गांधी जी ने। आज हम सब लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी जी शुड कंटिन्यू एज द प्रेसिडेंट। अभिषेक जी, आप बताइए, आप तो जनप्रतिनिधि भी हैं, यहाँ पे वार्ड से हैं, काउंसलर हैं आप, राहुल गांधी तो नहीं मान रहे हैं लेकिन वे फॉरवर्ड देखना चाहिए कांग्रेस पार्टी को या इस बात पर ही अटक के, क्योंकि बाकी जो पार्टियाँ हैं वो अब अगले चुनाव की तैयारी कर रही, कांग्रेस पार्टी मनाने में लगी? नहीं, बाकी चुनाव के अमित शाह जी का टर्म खत्म हुआ एज ए प्रेसिडेंट, उन्होंने अपना टर्म को एक्सटेंड कर लिया, वर्किंग प्रेसिडेंट उन्होंने बना दिया। बाकी पार्टियां क्या कर रही हैं वो चीज़ अलग है, कांग्रेस पार्टी की एक विचारधारा है और राहुल गांधी जी से ही लोग यहां जुड़े हुए हैं। देश के करोड़ों लोगों ने राहुल जी पे विश्वास दिलाया और हमारा सबका ये आग्रह है कि हम सब इस सिस्टम से राहुल जी की वजह से निकल के आ गए हैं। हमारा उनसे ये आग्रह है कि इस चीज़ को सोचें कि देश के करोड़ों लोग उनसे जुड़े हुए हैं, ये अकेले जन की जिम्मेदारी नहीं हो सकती, पूरी कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है। तो गांधी परिवार के बाहर चाहे कई नाम आ रहे हैं, सुशील कुमार शिंदे, मल्लिकार्जुन खड़गे, तो अगर ऐसे नामों के ऊपर विचार किया जा रहा है तो ये माना जाए कि गांधी परिवार से इतर भी कोई अध्यक्ष बन सकता है? ऐसे इस वक्त तो स्वाय राहुल जी के और कोई बात सोच नहीं रहे, तो इसलिए सोचना, कमेंट करना ये अच्छी ठीक बात नहीं है। धन्यवाद। तो साफ तौर से जगदीश टाइटलर जी का कहना है कि विकल्प के तौर पे राहुल गांधी के इतर सोचना आज के दिन सही नहीं है और कहीं ना कहीं कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जो देश भर से यहाँ पे मौजूद हैं, AICC मुख्यालय में पहुँचे हैं और एक बार फिर मनाने की कोशिश की जा रही है राहुल गांधी को कि वो अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। कैमरामैन रफीक के साथ अजय झा, गो न्यूज़, दिल्ली।